गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 16 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम कर रहे हैं अर्ली इवनिंग की स्टडीज़। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हम। वीडियोज़ को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ आपको किसी भी तरह से पसंद आ रहे हैं या फिर आपके लिए किसी भी तरह से नॉलेजेबल हो रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो फॉर्म करने में आपकी मदद कर रहे हैं। आप में से वो लोग जो चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है, शेयर एकेडमी और इसके टेलीग्राम ग्रुप का मकसद शेयर्स को थॉरली एनालाइज करना फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद लंबे समय के लिए बाइंग पोजिशंस देना है जिनमें मिनिमम पोजिशंस निफ्टी के मूवमेंट को देखते हुए वीकली बेसिस और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो शेयर्स बनाने के लिए आपको सलाह देना है। हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, स्पेकुलेशंस और गैम्बलिंग से दूर रहते हैं। तो अगर आप हैं एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर और इस संबंध में किसी तरह की मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी फ्रेंड्स, ये चैनल आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। हाउएवर, निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए और निफ्टी के शॉर्ट टर्म मूवमेंट को जानने के लिए ज़रूर डिस्कस करते हैं प्योर नॉलेज बेसिस पर। आज का ये सेशन बेहद खास है फ्रेंड्स। आप सभी को याद है कि लर्न टू अर्न सीरीज, जो कि हमारी एक टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग की सीरीज थी जिसे आप सबने बहुत पसंद किया, कॉन्टिन्यूसली देखा और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ गई है, उसी सीरीज का सेकंड जो सेशन है वो हमने शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम आपको सिखा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस, बिल्कुल बेसिक्स। हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का और उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, ताकि बजाय किसी बिजनेस चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी एक एनालिस्ट पर डिपेंडेंट होने के, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और खुद जान लें कि किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास है फ्रेंड्स, और वो है प्रमोटर होल्डिंग्स। आखिर प्रमोटर्स क्या है और प्रमोटर होल्डिंग क्या है और ये किसी भी शेयर पर किस तरह से असर डालती है। अगर आप कर रहे हैं किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसके अंतर्गत प्रमोटर होल्डिंग्स आपके नॉलेज पर कैसे असर डालेगी और आपको इस संबंध में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि बेसिकली प्रमोटर होता कौन है। जैसा कि नाम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, द वन हु प्रमोट्स द कंपनी। सो प्रमोटर्स असल में कौन है, जिनके पास कंपनी के थोड़े बहुत शेयर हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, प्रमोटर्स का काम, प्रमोटर कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। प्रमोटर्स का काम किसी भी कंपनी को प्रमोट करना है। अब कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल किसी भी दूसरी कंपनी को प्रमोट कैसे करता है, तो जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी को ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज चाहिए, वो है पैसा। तो प्रमोटर्स का सबसे पहला काम है बाहर से निवेशक लेकर आना और उस कंपनी में निवेशकों का पैसा लगवाना, ये है प्रमोटर्स का काम। प्रमोटर्स बिजनेस को अच्छी तरह से इनसाइड आउट जानते हैं और जानने के बाद वो बाहर से निवेशकों को लेकर आते हैं उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए। दीज पीपल आर कॉल्ड प्रमोटर्स, चाहे वो कंपनी हो या फिर एक इंडिविजुअल आदमी। नाउ दूसरा क्वेश्चन है प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग क्या है, सो बेसिकली प्रमोटर जिस भी कंपनी का प्रमोटर है उसके शेयर्स उसके पास कुछ ना कुछ होते हैं। इन शेयर्स की क्वांटिटी को प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, उसके अगर 30% शेयर किसी प्रमोटर्स के पास में है, तो इस 30% शेयर्स को हम प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं। ओके, अब ये प्रमोटर होल्डिंग असल में हमारे लिए कैसे जानकारी यूजफुल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग हमारे लिए यूजफुल क्यों है। सो ध्यान से देखिए, सेम चीज खोलिए moneycontrol.com और moneycontrol.com के सर्च बार में जाइए, किसी भी कंपनी का एक नाम डालिए, जैसे कि नाम डाला आपने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डालने के बाद में आपको ये मिल जाता है पेज। इसके बाद इसके नीचे आइए ऑप्शंस में और यहां पर है प्रमोटर होल्डिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बिल्कुल नया पेज खुलकर मिलेगा और वो नया पेज लेकर आएगा आपको कुछ इस तरह के पेज पर, जहां पर कि आपको मिलेगा प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स। लेफ्ट साइड में आपको प्रमोटर्स के नाम मिलेंगे, जो कि इंडिविजुअल का नाम भी हो सकता है, जैसे कि बीवीआर मोहन रेड्डी, या फिर हो सकता है किसी कंपनी का नाम जैसे कि वाइनयार्ड पॉइंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रमोटर्स कंपनी भी हो सकती है, प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओके, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी के लिए लेवल है वो है ये वाली टेबल। इस टेबल के अंतर्गत जितने भी परसेंटेज शेयर्स दिख रहे हैं इन सबको ऐड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास कंपनी का कितना हिस्सा है। यहां से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, मिसाल के लिए कोई कंपनी पीएसयू है या प्राइवेट, आपको यहां से भी पता चलेगा। कैसे, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जब आप इसके प्रमोटर्स वाला हिस्सा खोलेंगे तो आपको यहां दिखा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यह कंपनी एक पीएसयू है।
87% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कई बार आपको यहां पर दिखा मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका मतलब भी सेम वही है कि ये कंपनी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, इसके अलावा अगर किसी तरह के कोई प्राइवेट कंपनी है तो फिर आपको वहां पर मिलेंगे इस तरह के प्रमोटर्स के नाम या फिर किसी भी कंपनी के नाम। प्रमोटर्स का कितना हिस्सा है कंपनी में, इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन, इस सारी जानकारी का हमने करना क्या है? आंसर, जरा ध्यान से सोचिए कि एक कंपनी का प्रमोटर है जिसके पास कंपनी का 30% हिस्सा है, और अगर उसे ये पता चले कि ये कंपनी घाटे में आने वाली है, न केवल घाटे में आने वाली है बल्कि बंद होने वाली है, तो डूबती नाव से सबसे पहले चूहे भागते हैं। यानी प्रमोटर्स जो हैं वो सबसे पहले अपना हिस्सा उस कंपनी से निकालना शुरू करेंगे। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का हिस्सा कम होना शुरू होता है तो इस इंफॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा सावधान होकर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, अनटिल एंड अनलेस कि ये आदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी न किया गया हो कि प्रमोटर्स को कंपनी में अपना हिस्सा घटाना है कुछ खास नियमों के तहत, वरना अगर एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है और प्रमोटर्स किसी भी कंपनी में अपना हिस्सा घटा रहे हैं और बाहर निकलना शुरू कर दे रहे हैं, तब आपको प्रमोटर्स के होल्डिंग्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो कि वॉरेन बफे कहते हैं, किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, यानी प्रमोटर्स ओपन मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हैं और अपना हिस्सा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी कंपनी में आपको हमेशा इंटरेस्टेड होना चाहिए। क्यों? प्रमोटर को पता है कि कंपनी स्ट्रांग होने वाली है और भी ज्यादा जितनी है अभी, इसका मतलब है कि शेयर अप्रिशिएट करेगा, मुझे फायदा होगा अगर मेरे पास में इस कंपनी के ज्यादा शेयर्स होंगे, और ऐसी हालत में वो कंपनी के शेयर्स और ज्यादा खरीद रहा है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये कंपनी के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, और इस हालत में आपको इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और डिग डीप करना चाहिए, शेयर्स को चार्ट पर और फंडामेंटल्स पर और अच्छे से देखना चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटी खरीदने लायक है तो आपको खरीदना चाहिए। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग एक और बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आपको देती है। क्या? कई बार प्रमोटर्स मार्केट से पैसा उठाने के लिए क्या करते हैं, अपने शेयर्स गिरवी रख देते हैं। सिंपल, अपने शेयर्स गिरवी रख देंगे और पैसा उठा लेंगे और उसके बाद उन शेयर्स को कभी भी नहीं छुड़ाएंगे। अगर कोई कंपनी जिसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है और उसके प्रमोटर्स को यह पता है कि कंपनी की हालत खराब है, तो आपको उनके प्रमोटर्स के शेयर प्लेज्ड मिलेंगे। यहां देखिए, शेयर्स प्लेज्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड। ठीक, तो इसका मतलब है कि शेयर्स प्लेज्ड हो रहे हैं, प्लेज्ड का मतलब गिरवी रख दिया है किसी के पास और उसे पैसा उधार ले लिया है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स गिरवी रखते हैं तो यह हमेशा खराब खबर नहीं होती। मिसाल के लिए पराग मिल्क, फंडामेंटल्स इसके ठीक हैं, बट जरा ध्यान से एक चीज देखिए, प्रमोटर्स के पास कंपनी का कितना हिस्सा है। जिस प्रमोटर के पास 17% हिस्सा है उसने 25% अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं, जिसके पास 10% हिस्सा है उसने 8% शेयर गिरवी रख रखे हैं, जिसके पास 10% हिस्सा है उसने 42% अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं। तो 10 का 42% यानी अप्रोक्सीमेट 5%, 10 का 8% अप्रोक्सीमेट 8%, तो हो गए 8, 5, 13, और 17 का 25% तो अप्रोक्सीमेटली 5%, यानी 13 और 5, 17, तो करीब करीब 17% हिस्सा प्रमोटर्स का तो गिरवी है इस कंपनी के। पराग मिल्क में नई पोजीशंस बाय करने से पहले जरा इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए पराग मिल्क में फ्रेश पोजीशन बाय करने से पहले हमने कहा था कि पराग मिल्क के अंदर अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप ले सकते हैं, कि पोजीशन लीजिए, 10% का रिटर्न लीजिए और निकल जाइए। इस शेयर के अंदर लंबे समय तक के लिए आप खरीदारी नहीं कर सकते। क्यों? फंडामेंटली जो स्ट्रांग शेयर्स आपको मिलते हैं, ज्यादातर उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स प्लेज्ड नहीं मिलते आपको। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देती है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रख रहे हैं। आमतौर पर यह इन्फॉर्मेशन हमेशा खराब नहीं होती। क्यों? कई बार प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स गिरवी रखते हैं, उधार लेते हैं, जब उधार से काम हो जाता है तो उसके बाद पैसा वापस देकर और गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ा भी लेते हैं। हमेशा कंपनी के शेयर्स प्लेज्ड होना खराब बात नहीं होती, बट कंपनी के शेयर्स अगर रेगुलरली प्लेज्ड किए जा रहे हैं और लगातार प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस प्लेज करते जा रहे हैं, तब इस इंफॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा सतर्क होकर देखना चाहिए। आमतौर पर आपने बिजनेस चैनल्स पर यह क्वेरी सुनी होगी कि प्रमोटर्स ने अपने 95% स्टेक प्लेज कर रखे हैं, या प्रमोटर्स लगातार अपने शेयर्स प्लेज करते जा रहे हैं, तब वो शेयर गिरना शुरू कर देता है। या अगर कभी आप सुनते हैं कि प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़वा लिए, प्लेज किए हुए 48% शेयर्स छुड़वा लिए, तब वो शेयर्स अचानक से अप ट्रेंड में आ जाता है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन जो कि प्रमोटर होल्डिंग से आपको मिलती है, बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर की फंडामेंटल स्ट्रेंथ जानने के लिए। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो आप एक भारी गलती कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। यह था बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में
प्रमोटर्स के बारे में। और अब देखिए जरा ध्यान से, इसैब इंडिया एक बेहद शानदार कंपनी है और देखिए कि प्रमोटर्स के पास इसकी कितनी वैल्यू है। 72% हिस्सा प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है। और सेकंड चीज ये भी है कि कंपनी बिल्कुल नई है, एकदम छोटी सी कंपनी है, अभी अभी इस्टेब्लिश हुई है, स्मॉल कैप की कंपनी है अगर हम गलत नहीं है तो। और कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। ओके हाँ, 1600 करोड़ रुपए की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, बिल्कुल तुरंत की पैदा हुई है, ठीक है। सो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी कभी भी आप किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, पीई, डिलीवरेबल वॉल्यूम, और उसके बाद देखिए प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में 3%, 5% या 10% है तो ऐसी कंपनी से थोड़ा सा सतर्क हो जाइए भाई। अगर प्रमोटर्स को ही कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है सो आपको क्यों हो। और सेकंड, अगर प्रमोटर्स के शेयर प्लेज्ड हैं बहुत ज़्यादा तभी भी ये चीज़ खराब है, और अगर प्रमोटर्स ने लगातार अपने शेयर्स रेगुलरली प्लेज किए हुए हैं तभी भी ये इन्फॉर्मेशन खराब है। सो फ्रेंड्स, सेशन था बिल्कुल छोटा था, कितनी देर का, 11 मिनट का सिर्फ सेशन हुआ है। और इस 11 मिनट के सेशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी वो है प्रमोटर की होल्डिंग्स क्या है किसी भी कंपनी के अंदर, ये आपको देखना जरूरी है जब भी आप फंडामेंटली किसी भी शेयर को एनालाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन यहां तक समझ में आया होगा। अगर ऐसा है सो जरा कुछ कंपनीज के शेयर्स ऐसे निकालिए जिनके अंदर प्रमोटर होल्डिंग्स, खुद ढूंढिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए। कम से कम 50 कमेंट्स तो हमें चाहिए उन लोगों के जो लर्न टू अर्न सीरीज हमारी रेगुलर देख रहे हैं। वो 50 लोग हैं, आप लोगों के नाम भी हमें याद हैं बहुत सारे लोगों के, भीम जी हैं, माया जी हैं, किरण जी हैं, वेणु जी हैं, सुरील पटेल जी हैं, ठीक है। एक शेयर एनालाइज कीजिए, उसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो उसके अंदर जरूर डालिए इन कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको आप पता चले कि आप रेगुलर इन वीडियो से न केवल सीख रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना शुरू करेंगे आपके लिए ये उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। प्रमोटर होल्डिंग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी शेयर की एनालिसिस करते समय मिस नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि भविष्य में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आप फंडामेंटली शेयर्स को एनालाइज कर रहे होंगे। आपसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि लर्न टू अर्न सीरीज रेगुलर देखने के साथ में ही जो हमारी ये सीरीज है फंडामेंटल एनालिसिस की, इसे रेगुलर देखते रहिए। अगर एक बार में सेशन समझ में नहीं आते तो बार बार देखिए। आपकी जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को जरूर भेजते रहिए इन्हीं कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरह का अगर आपका कोई डाउट है तो हम टाइम अगेन आपकी क्वेरीज सॉल्व करते रहेंगे। साथ ही आप चाहें तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक, शेयर और कमेंट्स, और अगर आप चाहें तो हमारी हेल्प कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम करके भी। आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी हमारी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में जो कि होगा आज रात का। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिएगा दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।